हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अजय कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय विद्यागान में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय के पेपर में फेल हो गए। जी हाँ बच्चों, जो नवोदय विद्यालय क्लास का पेपर हुआ था 11 अगस्त को, उसका हाल ही में नवोदय विद्यालय सिंधी द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया था। ऑल इंडिया का सभी स्टेट का रिजल्ट वाइज कर दिया था, रोल नंबर से चेक करने वाला सभी स्टेट का चेक मतलब डाल दिया था, ठीक है। अब बच्चों ने चेक भी कर लिया, कुछ बच्चे फेल हो गए थे। यहाँ पे जो फेल होने वाले बच्चों की संख्या है बहुत ज़्यादा है और जो पास होने वाले की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे मेरे विलेज में एक ओबीसी कैटेगरी से बच्चा था, उसके 92% मार्क्स थे। ध्यान से सुनिएगा, 92 यानी कि 92% में बन रहा था उसका, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके बड़े भाई के 94 थे और उसका सिलेक्शन हो गया। जी हाँ, कंपैरिजन देखिए, ओनली 2 नंबर से उसका मतलब छोटा भाई फेल हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर वाले भी बच्चे अब की बार फेल कर दिए गए थे। अब बच्चों, आज का वीडियो क्या टॉपिक, आज के वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जो बच्चे नवोदय विद्यालय के पेपर में फेल हो गए ना, वो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपके ना बहुत ज़्यादा ये वीडियो काम आने वाला है। जी हाँ, आपको बता दूं, आपको एक बार और चांस मिल जाएगा नवोदय विद्यालय में पास होकर, नवोदय विद्यालय का जो पेपर है पास करने एक चांस और मिल जाएगा। जी हाँ, आपको चांस मिल जाएगा। मैं क्या तरीका, एक तरीका बता दूंगा आपको। नवोदय विद्यालय के जो बच्चे फेल हो गए ना, वो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कर लीजिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। और चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ, बात करते हैं, देखिएगा 11 अगस्त को पेपर हुआ था, उसका जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया था। जी हाँ, जारी कर दिया गया था, ठीक है। आप सभी को पता है कि रिजल्ट जारी कर दिया था 11 अगस्त को जो पेपर हुआ था नवोदय विद्यालय कक्षा, उसका अभी रिजल्ट जारी कर दिया था। अब बच्चों ने चेक भी कर लिया, बहुत जो पास होने वाले बच्चों की संख्या है वो तो बहुत ज़्यादा कम है। मुझे कमेंट आए थे कुछ पास हो गए थे, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पोल भी डाला था कितने बच्चे पास हुए, तो फेल होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, आपकी बार जो परीक्षा हुई है नवोदय विद्यालय की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल ही हुए हैं, ठीक है। अब फेल बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपके वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जी हाँ, मुझे कमेंट आ रहे थे सर वेटिंग लिस्ट कब आएगा। तो वेटिंग लिस्ट के एक से 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है। अभी जो बच्चों का एडमिशन होगा नवोदय विद्यालय में, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, SC में से SC बच्चों का, इनमें से अगर कोई एडमिशन नहीं लेगा तो उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके चैनल पर देख लीजिए। अब बच्चों, ये वीडियो क्या मतलब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इतना ज़्यादा जरूरी क्या है आपके लिए। जी हाँ बच्चों, अब बात करते हैं जरूरी क्या। बच्चों, जो बच्चे नवोदय विद्यालय के पेपर में फेल हो गए ना, वो नवोदय विद्यालय का पेपर अब की बार फिर से दे दीजिए। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ अजय विद्यागान, अगर आपको नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट बनना है तो आप एक बार पेपर फिर से दे सकते हो। जी हाँ, मुझे कमेंट आए थे सर क्या हम फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हो, फॉर्म आ चुके हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के, ठीक है। और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बना दिया है 2022 के लिए, ऑल वीडियो बना दिए, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2022 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर दो। अब बच्चों को डर रहता है कि सर दूसरी, हम तो एक ही बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कितने बच्चे दूसरी बार फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके लिए एक तरीका होता है। अगर आप वो तरीका जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। एक पूरा वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करके कि आपको क्या रूल। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022 के लिए तैयारी करने वाले हैं तो बच्चों खुश हो जाइए, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक लेकर आ चुके हैं, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन का और ये जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2022 के लिए तैयारी के लिए सबसे अच्छा बुक है। इस बुक में आपको नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 से रिलेटेड बहुत कुछ मटेरियल आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आपको कुछ मटेरियल के बारे में बता देते हैं, इस बुक में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2014 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के पेपर हुए थे उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ इस बुक में आपको फ्री में 6 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो है ना कमाल की बुक, जाइए जल्दी से इस बुक को खरीद लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको खरीदना ना भूलिएगा। बहुत ही अच्छा बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2022 की तैयारी के लिए। जाइए और जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके इस बुक को खरीद लीजिए, फॉलो करनी है, ठीक है, ताकि आपको स्कूल वालों को कुछ भी पता ना चले आपके बारे में कि आपने सेकंड टाइम फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई फॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट बनना ही है ना, आप तो फेल हो चुके हो, ठीक है। अब की बार आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा तैयारी है, अब की बार जो पेपर होने वाला है ना 30 अप्रैल 2022 में, उसका नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का फॉर्म आ गए हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दो 30 अप्रैल 2022 का। तो बच्चों आपका इतनी तैयारी है ना, अब की बार बहुत मतलब फर्स्ट टाइम ही पेपर क्रैक करवा दूंगा आपका, ठीक है। आपसे वादा है मेरा, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो ना तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा, और मुझे तरीका बता दीजिए, ठीक है। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले अब की बार पेपर दिया था पर फेल हो गए हैं, पर वो फिर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फिर से नवोदय विद्यालय का छात्र वो बनना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। जी हाँ सर मैं करना चाहता हूँ, और मुझे आप तरीका बता दीजिए किस तरीके से हमको फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि नवोदय वालों को बिल्कुल भी पता ना चले कि हमने दूसरी बार फॉर्म अप्लाई डाला था। तो बच्चों आपको मुझे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ये वीडियो ना
अभी रुकिए, जरा देखिए थोड़ा सा वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आपके लिए, आपके काम की बात है इस वीडियो में, ठीक है। आप अगर आपके काम की बात नहीं है तो आप जा सकते हैं, स्किप करके छोड़ के जा सकते हैं, पर जो बच्चे फेल हुए ना प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का यानी कि नवोदय वाले का वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए उसे भी। जी हाँ, अब मैं 2022 के लिए तैयारी, मतलब जो क्लास 6 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना उनको बता देता हूँ, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, 30 अप्रैल को पेपर है। आपकी जो इस साल की तैयारी है और जो इस साल की तैयारी मिक्स होकर इतनी ज़्यादा तैयारी, इतनी ज़्यादा पावर कलेक्ट हो जाएगी आपके अंदर, मतलब आपका जो 30 अप्रैल को पेपर होगा ना नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का, वो तो एकदम चुटकियों में पास करना बच्चों का खेल हो जाएगा। फिर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको जानना है कि हाँ सर फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए, मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे फेल ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम फेल हो गए थे, हम दूसरी बार फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तरीका क्या है, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। अगर मेरे पास इस तरह के 50 भी कमेंट आ जाते हैं तो उसके ऊपर मैं कल ही वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि क्या तरीका है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं क्लास का दोबारा से, तो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही पहले आप करवा लीजिए 15 नवंबर तक, क्योंकि क्या पता नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट कब बंद हो जाए, क्या गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो जाए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने वाले हैं 2022 के लिए, तो हमारे चैनल पर पूरी तैयारी उसके लिए करवाई जा रही है, ठीक है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, ठीक है। अभी नहीं करवाई जा रही है, अब फॉर्म आ गए, अब उसकी तैयारी में हम लग जाएंगे, ठीक है। 2022 की 2022 क्लास सब कुछ आएगा, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, सब कुछ फ्री होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आएगी, क्लास सिक्स और नाइन्थ दोनों की तैयारी होने वाली है, ठीक है, प्लस सैनिक स्कूल भी तैयारी होने वाली है। सैनिक स्कूल के भी फॉर्म आ चुके हैं, मैं बता दूं आपको, ठीक है, क्लास 9th और 6th के दोनों के आ चुके हैं, तो अगर आपको वो भी भरना है, उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यही था आज के वीडियो में कि आपको बताना था कि क्लास 9th का फिर क्लास 6th का फॉर्म फिर से भर दो, ठीक है। तो अगर आपको नवोदय का स्टूडेंट बनना है ना, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब की बार फॉर्म भी आ गए हैं, ठीक है, और आपकी तैयारी भी पहले से बहुत ज़्यादा है, और अब की बार और तैयारी कर लोगे, 30 अप्रैल को पेपर है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम आपकी तैयारी पूरी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अजय विद्याकांत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को यानी कि नवोदय वाले को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर भी बहुत सारी वीडियो आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पल पल की अपडेट उस चैनल पर सबसे पहले आती रहती है, और इस वाले चैनल पर भी आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप 2022 के लिए पेपर देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जो बच्चे फेल हो गए ना, जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपको क्या फॉलो करना है, क्या आपको वहाँ पे डालना है फॉर्म फिल करते समय, ठीक है, ताकि नवोदय विद्यालय वालों को बिल्कुल भी पता ना सके आपने दूसरी बार फॉर्म डाला है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो बच्चे नवोदय विद्यालय में फेल हो गए, ताकि उनको भी ये जानकारी अच्छी लगे और वो भी हमारा वीडियो देखें और वो भी फॉर्म फिर से अप्लाई करें। तो मैं एक जागरूक कर रहा हूँ आपको कि दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं कल के एक और नए धमाकेदार वीडियो में।